दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो आप लोगों के लिए लाए हूँ। दोस्तों देखिए कितना, दो तीन से चार महीने हुआ मेरे पास आने के बाद ये बर्ड, और उसी में ये लोग इतना सुंदर अच्छा ब्रीडिंग मेरे पास आके किए हैं। तो ये फास्ट ब्रीडिंग यहाँ पे आने के बाद, मेरे पास आने के बाद मतलब फास्ट ब्रीडिंग इन्होंने किए हैं। तो कॉकटेल भी फास्ट टाइम और सनकनोर भी फास्ट टाइम ब्रीडिंग किए हैं। तो किस तरह से मतलब इतना फास्ट ब्रीडिंग कर सकता है बर्ड, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने कम दिनों में, मतलब सेट होने के बाद और इतना जल्दी ब्रीडिंग कैसे करता है। तो इसी वीडियो में हम यही जानेंगे। ऐसा कोई नेशन मतलब वो जो ब्रीडिंग फार्मूला अगर नहीं है कि बर्ड आप उनको दे दो, मैं पहले भी ऐसे यूट्यूब में सुनता था और करता था, लेकिन उसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मेन है खाना और बाकी मेन क्या क्या है इसी वीडियो में जानेंगे। तो मेनली क्या है, आप पहले उसको जितना हो सके नेचुरली खाना देने की कोशिश करो। मतलब कोई भी चीज़ देखो, मैं डालता हूँ तो ये बहुत शौक से खाता है। अभी धान डाला हो, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं वो धान कितने शौक से खाता है। तो कॉकटेल भी ब्रीडिंग में आ गया और सनकनोर ब्रीडिंग में आ गया, और बाकी जो एक पेयर है वो मतलब कॉकटेल में भी और सनकनोर में वो अभी एडल नहीं हुआ। और वीडियो में आप बीच बीच में देखोगे कि इतना अच्छा मतलब ये पेरेंट्स है कि वो बच्चों को खुद खिलाते हैं, और मतलब मैं वीडियो बनाने गया तो वो मेरे ऊपर हमला कर देता है, इतना मतलब एग्रेसिव हो गया, क्योंकि ये हैंडटेम है फिर भी ये बहुत ही एग्रेसिव हो गया। तो पहले आप लोगों को खाना नेचुरली देना है, सब फूड हमेशा डालना है। पहले भी ये आके नखरा करता था, सब फूड नहीं खाते थे, लेकिन अब मैं डालता हूँ तो वो सब फूड कोई कुछ भी खाता है। जिस टाइम जो फूड मिल जाए वो आपको देना है। इन लोगों के लिए देखो, मैंने अपने जो गार्डन में वो पालक लगाए, जो साग है, मेथी है, फिर वो धनिया पत्ता, वो देखो अभी बारीक बारीक सा होने लगा है, और ऐसे जो जवार बजरा की जो एक दाना ऐसे डाल दिए थे तो वो भी अच्छे अच्छे से मतलब होने लगा है। तो चलो दोस्तों, आप लोग सभी को मैं अपना वीडियो में स्वागत करता हूँ विद्याबाद सैबेरी में, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहे और सपोर्ट करिए, और मेन आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। तो मेरा जो मेन टॉपिक है कि कितना जल्दी हम बर्ड को ब्रीडिंग कर सकते हैं, और उस और बिना कोई फार्मूला से, मतलब फार्मूला ऐसे दोस्तों होता नहीं है। पहले भी एक एक साल मैं बर्ड को रखता था, फिर भी रखने के बाद वो भी अंडे नहीं देते थे, लेकिन ये इतने जल्दी में क्यों अंडे दिए, ये वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे और वही बात हम समझेंगे, और नेचुरल तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ज़बरदस्ती वाला तरीका। तो बहुत ही शानदार मतलब अंडे दिए, और इसमें और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि एक अंडा मतलब उन्होंने पहले पहले अंडे दिए ना, दो अंडा इसी में दिए थे और एक अंडा वो दूसरे एक बॉक्स में दिए थे। तो वो मुझे एक हफ्ता बाद मुझे नज़र आया था, वो अंडा मैंने कॉकटेल के नीचे रखा तो वो उसमें ब्लीडिंग आ गया। मतलब एक ताज्जुब वाली बात है, मतलब वो सनकनोर के अंडा ऐसे मतलब उन्होंने देखे छोड़ दिए थे, फिर यहाँ पे बच्चे को ये मतलब अंडा सेक के फिर यहाँ पे बच्चे बना लिए मतलब, लेकिन वो अंडे वहीं पे पड़ा था। लेकिन मुझे लगा अरे कैसे है यहाँ पे दो, वो तो एक जोड़ी बाकी जो है वो तो मतलब सेमी एडल्ट है, वो तो अंडे दे नहीं सकता। और देखो दोस्तों कितना अच्छा पेरेंट्स है, कितना मतलब, और नहीं कि वो सिर्फ माँ बाप, वो बाकी जो दो है वो भी मतलब उसको कितना गार्ड करता है। मतलब उसके साथ पहले तो फाइट करते थे, लेकिन अभी उनको पता चल गया कि हम ब्रादरी में मतलब अपना भाई भाई हैं, इसीलिए वो भी उसको क्या करते, थोड़ा सपोर्ट कर देते। मतलब वो भी देखो, मैं दरवाज़ा खोलने गया तो मेरे ऊपर आके वो आके बैठ गया, मतलब किसी किसी ने मेरे मोबाइल के ऊपर झपटा मारते थे। तो इस तरह से मतलब ये अच्छा बहुत ही पेरेंट्स है। मतलब आप लोग ज़्यादातर यूट्यूब में सुने होंगे कि सनकनोर बच्चे को नहीं पालते, मतलब ये देखो टॉप पोटली भर भर के मतलब आप देख लीजिए, मतलब कितना अच्छे से खिलाए हैं, और देखो कितना अच्छे से मतलब वो प्रोटेक्शन उनको दे रहा है मतलब अपने बच्चों को। इस तरह से ये ऐसा नहीं कि उनके खुद का बॉक्स, ये कॉकटेल का बॉक्स है दोस्तों, देखिए मतलब वही अंडा मैंने रखा हूँ, मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो कॉकटेल भी मतलब ये तो अच्छा है कि मतलब उतना ज़्यादा डरता नहीं है, और मतलब अच्छे अंडे को सेकते हैं। और इसका भी बॉक्स मतलब मेरे चैनल में वीडियो है, आप देखना कि इसका जो बॉक्स है मैं ये भी खोलने जाता हूँ तो वो कॉकटेल मतलब सनकनोर आके वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं। वो देखो जो बड़े वाला अंडे दिख रहा वो सनकनोर का अंडा है। तो अभी क्या करो, फेंकू तो मुझे वहाँ पर रख दिए, तो एक हफ्ता बाद देखे कि उसमें ब्लीडिंग आ गया। तो आपको अपडेट देते रहूँगा कि किस तरह से मतलब सनकनोर के अंडा कॉकटेल क्या होता है, क्या मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, मुझे पता नहीं कि उसका अंडा कॉकटेल पाल पाएंगे क्या नहीं। तो एक प्रैक्टिस मुझे भी हो जाएगा, आप लोगों को भी एक हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला अंडा है वो सनकनोर का अंडा है।
तो ब्लीडिंग भी है, फर्टाइल मतलब फर्टाइल है ये, तो आगे देखता हूँ कि बच्चे निकालता है क्या नहीं और बच्चे पालते हैं क्या नहीं, मतलब कॉकटेल। तो ये जो शंखनूर है, ये जो कॉकटेल का बॉक्स है, ये भी उसको भी मतलब वो प्रोटेक्शन देता है। देखो ये आके बैठा है, मतलब वो भी मतलब नाराज़गी जता रहा है कि यहाँ से हट जाओ करके, मतलब इतना एग्रेसिव हो गया। मेरे हाथ पे आते थे, मेरे हाथ से खाते थे, लेकिन अभी कोई मुझसे नाता नहीं है, मतलब वो अपने आप अपने बच्चे में बहुत खुश है। तो मैं भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, हफ्ते में एक वीडियो लाने की कोशिश करता आप लोगों के लिए। तो इस तरह से मतलब एक इसमें मेन क्या है, और जो अकेला जो एकदम शांत जगह पे मेरा देखो जो अभिरी है वही है, मतलब उसका जो नेचुरली खाना है ज़्यादातर साग पत्तेदार खाना, और जैसे मिक्स देखो जो सात आठ टाइप के दाना बीज हो गए, मैं पहले भी मेरे चैनल में बताया, बार बार बताना ठीक नहीं है। तो जैसे ये बरबड़ी अगर जो मिल जाता, केले एप्पल अगर तो है ही, मतलब जो फ्रूट जो जिस टाइम मिल जाता वही देता हूँ, और ये मतलब जो मिक्स वाला वो तो हमेशा रहता है। देखो बहुत बड़ी मेहनत से मैंने ये पालक लगाए थे, तो बहुत ही अच्छे उगे हैं, तो यही पत्ते कोई भी हरे पत्ते अगर डालता हो तो बहुत शौक से खाता है, जैसे कुछ भी मतलब नीम के पत्ते अगर डाला तो बहुत सही खाता है, तो तुलसी के पत्ता भी डाला तो बहुत अच्छा खाता है। अभी देखो जैसे धान टंगा हुआ है, वो धान भी शंखनूर कितने शौक से खा रहा था। तो इस तरह से मतलब ये पत्ते जब बड़ा होंगे तो हम तो कुछ भी मिले तो चलो खा लेंगे, लेकिन बट को दे देंगे। और ये जो दाना है मैंने कुछ मतलब इसमें ज्वार, और इसमें से जब बाजरा आएगा मतलब उसमें डायरेक्ट एकदम मतलब तोड़ के उनको दे सकते हैं, और लाइव फूड में मतलब वो बहुत ही इंजॉय करते हैं, जैसे कि धान दिए तो धान के साथ बहुत खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। तो इस तरह जहाँ पर जगह मिला थोड़ा उसी जगह में मैंने कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश की। ये मेथी है, अब मेथी अभी वो भी देखो कितना सुंदर अच्छे से ग्रोथ मतलब अच्छे हैं, तो ये इसमें हाथ से तोड़ तोड़ के उनको दे देंगे, वो खाते रहेंगे, और बाकी कम अगर गिरा तो मार्केट में अभी ठंडी के टाइम में है तो भरपूर मिल जाता है, अपने गांवटी एरिया है तो यहाँ पे कोई सब्जी का कमी नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो जो धनिया पत्ता है, मतलब वो डाले तो धनिया पत्ता भी कितना सुंदर से मतलब उगे हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा और 10-15 दिन के बाद तो बट को ऐसा तोड़ के हम दे सकते हैं। तो कुछ दाना इसी में दिए थे, ये मतलब ज्वारी और बाजरे का दाना है, यहाँ पे भी मतलब धनिया के पत्ते हमने डाले हैं। तो ये सब बड़े हो जाने के बाद मैं इनको तोड़ तोड़ के मैं दूंगा, तो एकदम यहाँ पे मतलब मैं जो यहाँ पे गार्डन में फ्रूट्स का है और कोई भी साग पत्ती है, मैं तो इसमें ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करता हूँ, और ऑर्गेनिक जो खाद है वही डाल के मैं ये बनाता हूँ जहाँ पे जगह मिला थोड़ा। तो ये बड़ा होने के बाद मतलब उसको पत्ते काटते जाएंगे और देते जाएंगे तो ये जल्दी दोस्तों ख़राब भी नहीं होता, मतलब मतलब ये टिक जाता है, सिर्फ पत्ते तोड़ के देना है। तो इस तरह से मतलब ज़्यादातर पत्तियाँ मतलब इनको देना चाहिए, और एकदम खाली जगह पे, एकदम खालीपन जो जगह है वहाँ पे आपको एवियरी बनाना है, और नेचुरल फूड ज़्यादातर आपको बर्ड को देना है, और कुछ नहीं दोस्तों। क्यों अंडे बच्चे नहीं करेंगे, ये जो बर्ड है मतलब कोई भी एक छोटा सा कीट भी आप पकड़ के चलो, कोई भी एक कीड़े मतलब उसका भी वो फैमिली आगे बढ़ाने के लिए वो भी अंडे बच्चे करते हैं। तो ये इतने बड़े परिंदे हैं, कोई भी परिंदे मतलब, और इतने शौक से रखते हो, ये क्यों नहीं अंडे बच्चे करेंगे। लेकिन उसको थोड़ा क्या करना है, अच्छे से जगह देना है और उसका केयर रखना है, उनको भी सेफ लगेगा तो भी वो जल्दी से अंडे बच्चे देंगे। मतलब देखो एक इतना बड़ा सा जगह दिए है और कितना मतलब एक साथ मतलब ब्रीडिंग भी कर रहा है, मतलब आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा कि एक साथ ये बड़े बड़े बाट होता नहीं है, देखो आपके सामने लाइव है दोस्तों। देखो कि मतलब ये शंखनूर चार प्यारे, एक प्यार नहीं है, चार प्यारे मतलब दो प्यारे है, और कॉकटेल भी दो प्यारे है, तो इतने सारे बर्ड एक साथ रहे। अभी जो बच्चा देना शुरू हो गया तो आगे और मतलब कितने बर्ड हम यहाँ पर रख सकते हैं आप लोगों को, वही दिखाऊंगा। तो इस तरह से मतलब इतना जल्दी मतलब अनसर्टन मतलब मुझे ये प्रोग्रेस मिल जाएगा, ये मुझे भी विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। ये बहुत ही मैं खुश हूँ, और आप लोग मेरे चैनल के प्रति भी जो अच्छे किए मतलब देखे, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कम समय में दोस्तों मेरे चैनल को थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिल गया दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और सब्सक्राइब के लिए दोस्तों आप सभी के दोस्तों के पास थोड़ा शेयर करिए, और इस तरह से जो नए नए इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बताते जाऊंगा दोस्तों। तो इसमें गार्डन और इसका जो वीडियो है कभी कभी एक साथ मैं डालते रहता हूँ, और अलग अलग जो मछली का है, दूसरे दूसरे पालन जो करते जो फार्मिंग करते उसका भी वीडियो आप लोगों को बीच बीच में मैं दिखाते मतलब डालते रहता हूँ।
तो ये जो मेरा जो बात अगर झूठ है, ऐसे झूठ नहीं है दोस्तों, तो आप लोग क्या करना, मेरा जो चैनल है एकदम फर्स्ट जो वीडियो है देखना, उसमें कोई बर्ड मैं छोड़ा नहीं था। वो उस टाइम बहुत सारे पेड़ पौधे थे इसके अंदर, लेकिन बर्ड छोड़ने के बाद वो पेड़ पौधे को ख़राब कर डाला, तो मैं निकाल के उसको अलग अभी ग्रोथ में डाल दिए है। तो ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोला, मेरा चैनल देख लेना, 3-4 महीने 4 महीने पहले की चैनल है, तो उसी टाइम वो बर्ड नहीं था, फिर बाद में बर्ड छोड़ा, तो इतने कम मतलब 3 से 4 महीने के अंदर इतने सुंदर मुझे ये मिल गए हैं। और अच्छे से अच्छे मैं इन लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करते रहूँगा, और आप लोगों को अच्छी जानकारी मैं देते रहूँगा कि किस तरह से मतलब अपने आप बर्ड को मतलब इतना जल्दी ब्रीडिंग आप ले सकते हो, और अपने बर्ड को हेल्दी रख के, वो भी ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा खिला के ब्रीडिंग ले लिए बस। तो और मेन वही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि सनकनूर अपने बच्चे को कैसे पालते हैं। कॉकटेल तो बच्चे अच्छे पाल ही लेते हैं, लेकिन सनकनूर बच्चे को कैसे अच्छे पालते हैं, और मेन इतने वो जो एवरी के अंदर बच्चे कैसे पालेंगे, या क्या क्या मतलब आगे इन लोगों को तकलीफ आएगा, क्या है मतलब ऐसे मिक्स कॉलोनी अगर हम बना सकते हो तो आपको समय भी बहुत कम मिलेगा, आप दूसरे बिजनेस धंधा अगर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में यहाँ पर समाप्त करता हूँ।